नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या अब शबनम को बस प्रेग्नेंट होना ही बचा सकती है और कोई रास्ता नहीं है शबनम के पास बचने का फांसी से? आज इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी सी टाइम लूँगा आप लोगों का, बस दो मिनट। तो दो मिनट वीडियो पर जरूर बने रहें और मैं बताने वाला हूँ कि शबनम क्या वाकई प्रेग्नेंट थी या है, या भविष्य में शबनम का कोई प्लान है प्रेग्नेंट होने का, जिस वजह से उसकी फांसी की सज़ा जो है उसको उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। क्योंकि प्रेग्नेंट होने से, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर प्रेग्नेंट कोई महिला होती है तो उसको 6-7 साल तक उसको कोई सज़ा नहीं होगी। तो दोस्तों, अब बातें करते हैं कि शबनम के माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर शबनम इस तरह का हरकत करती है तभी वो फांसी से बच सकती है। और शबनम के पास और क्या रास्ता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग एक लाइक जरूर कर सकते हैं दोस्तों। शबनम केस में हम लोगों ने कई बार देखा ये कि शबनम ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉक्टर की टीम जब वहाँ पहुँची, सब कुछ इंस्पेक्शन हुआ, सब कुछ देखा गया, उसके बाद डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि शबनम कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये जस्ट एक हवा था जो कि उड़ाने की कोशिश की गई थी। और जो दया याचिका जो पड़ा हुआ है राज्यपाल के पास, उसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों, इस तरह के कई सारे हथकंडे अपनाए गए थे, लेकिन साफ साफ डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन अब क्या लगता है कि वाकई, लेकिन शबनम ने हार नहीं मानी, शबनम ने फिर भी चैलेंज किया कि नहीं, वो प्रेग्नेंट है। कई सारे सिम्टम्स जो हैं वो ये दर्शा रहे थे कि शबनम प्रेग्नेंट है, ऐसा कह रही थी शबनम, लेकिन साफ साफ डॉक्टर ने मना कर दिया। उसके बाद शबनम ने क्या रास्ता चुना? शबनम ने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को हथियार बनाया जाए। क्या ऐसा लगता है कि शबनम प्रेग्नेंट को ही अपना एक आखिरी रास्ता मानती है? क्या शबनम अगर प्रेग्नेंट होगी तभी वो फांसी से बच सकती है? देखिए, नियम तो यही कहता है कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती, कोई कुछ भी नहीं किया जाता है, उसको फांसी की सज़ा को टाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शबनम को एक अलग बैरक में रखा गया है, एक अलग जेल में रखा गया है जहाँ पे किसी से कोई संपर्क नहीं है। रही बात सलीम की, सलीम भी एक अलग जेल में बंद है, लेकिन शबनम ने ऐसा चाल चलने की क्यों कोशिश की है? इसीलिए शबनम चाहती है कि शबनम एक बार बाहर आने की कोशिश कर रही है ताकि वो किसी भी तरह से इस चीज़ को अपना हथियार बना सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नज़र अभी तक तो नहीं आता दिख रहा है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है, जैसे ही होगा पूरी जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।